मैं सोच रही हूँ नौकरी छोड़ दूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ क्विटिंग माई जॉब। क्यों, क्या हो गया? वाई, वॉट हैपन्ड? बॉस बहुत तंग कर रहा है यार। माई बॉस इज गिविंग मी अ टफ टाइम। नौकरी छोड़ दोगे तो करोगे क्या? वॉट विल यू डू इफ यू क्विट योर जॉब? आपसे कोई मिलने आया है। समवन हैज़ कम टू सी यू। समवन हैज़ कम टू सी यू। आइए, कृपया अंदर आइए। प्लीज़ कम इन, प्लीज़ कम इन। बैठिए, प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ हैव अ सीट। आपने बहुत देर लगा दी। यू टुक अ लॉन्ग टाइम, यू टुक अ लॉन्ग टाइम। मैं अभी तैयार होती हूँ। आई जस्ट गेट रेडी, आई जस्ट गेट रेडी। चलो अब सो जाओ। नाउ जस्ट गो टू स्लीप, नाउ जस्ट गो टू स्लीप। अंदर कोई नहीं है। देयर इज़ नोबडी इनसाइड, देयर इज़ नोबडी इनसाइड। कल रात बहुत अच्छी नींद आई। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट, आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। मैंने 14 साल की उम्र में 10वीं पास कर ली थी। आई हैड पास्ड 10th ग्रेड व्हेन आई वाज 14, आई हैड पास्ड 10th ग्रेड व्हेन आई वाज 14। कल रात एक झपकी भी नहीं आई। आई डिडंट इवन गेट अ विंक ऑफ स्लीप लास्ट नाइट, आई डिडंट इवन गेट अ विंक ऑफ स्लीप लास्ट नाइट। क्यों, क्या हुआ? वाई, वॉट हैपन्ड? वाई, वॉट हैपन्ड? मेरे पेट में दर्द हो रहा था। माई स्टमक वॉज एकिंग, माई स्टमक वॉज एकिंग। हम रात को देर तक पढ़ते थे। वी यूज़ टू स्टडी टिल लेट एट नाइट, वी यूज़ टू स्टडी टिल लेट एट नाइट। क्या मैं अच्छा डांस करती हूँ? डू आई डांस वेल, डू आई डांस वेल? हाँ करती हो। येस यू डू, येस यू डू। कल रात मेरी बेटी ठंड से काँप रही थी। लास्ट नाइट माई डॉटर वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड, लास्ट नाइट माई डॉटर वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। जैसे ही मैं घर पहुँचा बारिश होने लगी। एज सुन एज आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग, एज सुन एज आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग। तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। यू डिडंट कीप योर वर्ड, यू डिडंट कीप योर वर्ड। क्या तुम उससे पहले कहीं मिले थे? हैड यू मेट हर एनीवेयर बिफोर, हैड यू मेट हर एनीवेयर बिफोर? हाँ, मैं उससे 2 साल पहले शिमला में मिला था। येस आई हैड मेट हर इन शिमला 2 years ago, येस आई हैड मेट हर इन शिमला 2 years ago। मैं अपना काम खत्म करने के बाद फिल्म देखूंगा। आई विल वॉच अ मूवी आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क, आई विल वॉच अ मूवी आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। वो अपनी उम्र से छोटी लगती है। शी लुक्स यंगर देन हर एज, शी लुक्स यंगर देन हर एज। क्या इस बंदूक में गोलियां हैं? इज दिस गन लोडेड, इज दिस गन लोडेड? हाँ इसमें है। येस इट इज़, येस इट इज़। अतुल अपने देश को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। अतुल इज़ लीविंग हिज कंट्री फॉर गुड, अतुल इज़ लीविंग हिज कंट्री फॉर गुड। वेयर इज़ ही गोइंग? वो कहाँ जा रहा है? वेयर इज़ ही गोइंग? वो जर्मनी में शिफ्ट हो जाएगा, वो जर्मनी में सेटल डाउन हो जाएगा। ही विल सेटल डाउन इन जर्मनी, ही विल सेटल डाउन इन जर्मनी। उसको जर्मनी में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड जॉब इन जर्मनी, ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड जॉब इन जर्मनी। तुमसे कल कौन मिलने आया था? हु हैड कम टू सी यू येस्टरडे, हु हैड कम टू सी यू येस्टरडे। वो अपने पड़ोसियों से लड़ रहे थे। दे वर फाइटिंग विद देयर नेबर्स, दे वर फाइटिंग विद देयर नेबर्स। मैं उससे फिर नहीं मिलूंगा। आई विल नॉट बी मीटिंग हिम अगेन, आई विल नॉट बी मीटिंग हिम अगेन। क्या आप मेरठ बार बार आते रहोगे? विल यू बी कमिंग टू मेरठ अगेन एंड अगेन, विल यू बी कमिंग टू मेरठ अगेन एंड अगेन? नहीं, मैं नहीं आता रहूँगा। नो आई वोंट बी, नो आई वोंट बी। क्या उसने मेरी साइकिल ठीक कर दी होगी? विल ही हैव रिपेयर्ड माई साइकिल, विल ही हैव रिपेयर्ड माई साइकिल। शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। परहैप्स शी डजंट लाइक मी, परहैप्स शी डजंट लाइक मी। क्या वो चली गई होगी? विल शी हैव गॉन, विल शी हैव गॉन? नहीं, वो नहीं गई होगी। नो शी वोंट हैव, नो शी वोंट हैव। मैं आपके पास नहीं आ पाऊँगा अगर बारिश हुई तो। आई विल नॉट बी एबल टू कम टू यू इफ़ इट रेन्स, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू यू इफ़ इट रेन्स। वो बात तो ऐसे करता है जैसे वो सब कुछ जानता है। ही टॉक्स एज इफ़ ही नोज़ एवरीथिंग, ही टॉक्स एज इफ़ ही नोज़ एवरीथिंग। मुझे नहीं पता मैं क्या करता अगर मैं आपकी जगह पर होता। आई डोंट नो वट आई वुड हैव डन इफ़ आई हैड बीन इन योर प्लेस, आई डोंट नो वट आई वुड हैव डन इफ़ आई हैड बीन इन योर प्लेस। अगर आप पार्टी में नहीं आ रहे होगे तो एक कॉल कर देना। गिव मी अ रिंग इफ़ यू आर नॉट कमिंग टू द पार्टी, गिव मी अ रिंग इफ़ यू आर नॉट कमिंग टू द पार्टी। वो चाहता तो वो पैसे दे सकता था। हैड ही विश्ड ही कुड हैव पेड द मनी, हैड ही विश्ड ही कुड हैव पेड द मनी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक घर पहुँच सकता। आई मस्ट रीच होम लेटेस्ट बाई 11 PM, आई मस्ट रीच होम लेटेस्ट बाई 11 PM। मेरी मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। माई मॉम विल बी वेटिंग फॉर मी, माई मॉम विल बी वेटिंग फॉर मी। मैंने इसे राज रखने की कोशिश की पर नहीं रख पाई। आई ट्राइड टू कीप इट अ सीक्रेट बट आई कुडंट, आई ट्राइड टू कीप इट अ सीक्रेट बट आई कुडंट। आपकी बहुत दया है कि आपने मेरी मदद की। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू दैट यू हेल्प्ड मी, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू दैट यू हेल्प्ड मी। उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। उसे जल्दी ही अपने जुर्म की सज़ा मिलेगी, उसे जल्दी ही अपने जुर्म की सज़ा मिलेगी। ही विल सून बी पनिश्ड फॉर हिज क्राइम, ही विल सून बी पनिश्ड फॉर हिज क्राइम। तुम्हें अपना काम अब तक खत्म कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय नाउ, You should have finished your work by now. वहाँ जाओ, वो तुमसे मिलकर खुश होंगे. Go there, they will be pleased to see you. Go there, they will be pleased to see you. तुमको उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, तुमको उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी. You shouldn't have insulted him. You shouldn't have insulted him. उससे तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए. You should apologize to him. You should apologize to him. मुझे परेशान मत करो, मैं व्यस्त हूँ. Don't bother me, I am busy. Don't bother me, I am busy. उसे कह दो मैं मीटिंग में हूँ. Tell him I am in a meeting. Tell him I am in a meeting. क्या वो कल आ सकता है? Can he come tomorrow? Can he come tomorrow? मैं रास्ते में हूँ. I am on my way. I am on my way. मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो.